नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं। ओम प्रकाश राजभर का साफ कहना है कि गठबंधन टूट चुका है, अब वो बसपा के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। राजभर ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती से जल्दी उनकी बात हो जाएगी। आजमगढ़ उपचुनाव में मायावती की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मायावती अखिलेश यादव से ज्यादा क्षेत्र में रहती हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में अखिलेश यादव टिकट देने में भी पक्षपात करते थे, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग लोगों को टिकट दिया करते थे। समाजवादी पार्टी के साथ गए पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वहां जाने के बाद जब मैंने ऐसा महसूस किया तो चुनाव के समय ही हमारा उनका विवाह शुरू हो गया। जो प्रदेश में उपेक्षित जातियां हैं जिनकी आबादी बड़ी संख्या में, यदि पश्चिम से हम शुरू करें तो बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, शाक्य, सैनी, माली, आरक, अल्पवंशी, बंजारा, भगिनिया, कंघार, ये जातियां पश्चिम में एक एक विधानसभा में डेढ़ डेढ़ लाख पौने दो दो लाख सवा सवा लाख तक एक एक विधानसभा में है। इन्हीं को हम टिकट देने की बात की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से शनिवार को एक लेटर जारी हुआ। इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ने भी एक लेटर जारी किया। अखिलेश यादव से इस लेटर में कई सारे सवाल पूछे गए। अब इस विवाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े हैं। डिप्टी सीएम के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी में सपा अब डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस विधान परिषद में हीरो से जीरो हो चुकी है, बीजेपी के साथ देश प्रदेश का विकास हो रहा है। इससे पहले डिप्टी सीएम ने सपा के राजभर और शिवपाल के स्वतंत्र करने वाले पत्र पर भी निशाना साधा था। सावन के दूसरे सोमवार को देखते हुए वाराणसी में भी तैयारियां पूरी हैं, जोरों पर चल रही हैं। दूसरे सोमवार को भारी तादाद में कांवड़ियों और शिव भक्तों के पहुंचने के आसार हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और सकुशल दर्शन को लेकर वाराणसी ग्रामीण पुलिस भी तैयार है। एसपी सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी के बीच NH2 का एक लेन गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। काशी आने वाले कांवड़ियों को रास्ते में सुरक्षा मिलेगी। पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर में सुगम दर्शन के लिए तमाम व्यवस्थाएं सुचारू की गई हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मंदिर के पास होने वाले मेले में बिजली पानी की व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा दी गई है। कांवड़िए हमारे 5 रूटों पर आते हैं, लेकिन मुख्य रूट प्रयागराज रोड है। उसमें हम लोगों ने जो उत्तर की लेन है उसको आज दोपहर से लगभग बंद कर दी है, ये सोमवार तक बंद रहेगी। इसके अलावा हमने 112 की गाड़ियां वहां लगा रखी हैं, थाने की मोबाइल लगा रखी हैं, मोटरसाइकिल मोबाइल लगा रखी हैं। गाजियाबाद में आत्मनिर्भर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें 3D मॉडल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें हितधारक गाजियाबाद पुलिस, यशोदा अस्पताल, विंग सिक्योरिटी और एलाइड सर्विसेज और NGO की ओर से एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अग्नि सुरक्षा विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान शिशु की देखभाल को लेकर मुख्य रूप से लोगों को जागरूक किया गया। इसमें गाजियाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा भी प्रदर्शित हुआ है। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP OP सिंह मौजूद रहे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई और जो उसके एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ उसके खिलाफ की गई है। इस कार्रवाई में गाजियाबाद के सांसद अफजाल अंसारी के 4 प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया। कुर्की की गई संपत्ति की कुल कीमत करीबन 15 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर जिले के DM ने 4 प्रॉपर्टी कुर्क करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सांसद की करीबन 15 करोड़ की कीमत की 4 प्रॉपर्टी कुर्क हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि गाजीपुर स्थित भावरकोल थाना क्षेत्र में माचा गाँव में इनके नाम से काफी जमीने हैं, उस जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई सुनिश्चित हुई है।
अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज नकुर किया गया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ चुका है। मरीज की कोई विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिल चुके हैं। ये तीनों ही मरीज यूएई से लौटे थे और वहीं पर ये किसी संक्रमित के संपर्क में आए थे। दिल्ली में मिला नया मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि अब तक मिले 4 मरीजों में ये पहला ऐसा केस है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इस मरीज को तेज बुखार और स्किन में घावों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि खुद केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने की थी। वो यूएई से लौटा था। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद उसे केरल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने जनता आम जनमानस की सेवा में नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्देश्य जनता की समस्याओं के निराकरण के साथ ज्यादा से ज्यादा विकास की परियोजनाओं को जनपद में लागू करना है। आज इस कार्यालय को हमने जनता को समर्पित कर दिया। वहीं उन्होंने नीरज चोपड़ा की ओर से पदक जीतने पर कहा कि वो देश के गौरव हैं, आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनको इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद देती हूँ। वहीं ओम प्रकाश राजभर के सपा से अलग होकर बागी होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा वे हमारे साथ आएंगे तो बेहतर ही होगा, एनडीए का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। मिर्जापुर के आम जनमानस और आम मतदाता की सेवा में आज ये नया जनसंपर्क कार्यालय भवन उद्घाटन करके समर्पित किया जा रहा है। ये और भी ज्यादा व्यवस्थित ढंग से हमारा कार्यालय संचालित हो इसका हम प्रयास करेंगे और आम जनमानस की आम मतदाता की जो समस्याएं हैं उसकी बेहतर सुनवाई हो सके, उसका बेहतर निराकरण हो सके और ज्यादा से ज्यादा विकास की परियोजनाओं को हम मिर्जापुर जनपद में ला सके, इस पूरी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये जनसंपर्क कार्यालय आज मैं मिर्जापुर की जनता को समर्पित कर। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द ही शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चर्चाओं का दौर चल रहा है कि आखिर कौन है जिसने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ आगामी 26 तारीख को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने जा रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जहां की वर्तमान परिस्थितियों और क्रॉस वोटिंग संगठन को मजबूत किए जाने जैसे तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 26 तारीख को सोनिया जी को फिर से समन किया है। 26 तारीख को हम यहाँ सत्याग्रह करने वाले हैं गांधी पार्क में और उसके बाद ही फिर जो टाइम वहाँ आगे का प्रस्तावित होगा उसमें करेंगे। चर्चाएं यहाँ की स्थितियों को लेकर है, क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जो आप कांग्रेस को हम कैसे स्ट्रेंथ दें, आगे को मजबूत बनाएं, उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ विचार विमर्श होना है, उसी के लिए मैं जाने वाला हूँ। जीवट महिला को जिसने जिसका कि एक संघर्षों का जिसका जीवन एक संघर्षों से भरा हुआ है उसको देश के सर्वोच्च पद पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों से भी श्रीमती मुर्मू जी ने अपील की थी और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना वोट दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने वालों को सम्मानित करना चाहिए, न कि उन्हें अपमान। वक्त यहाँ पर छोड़ सो ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने तीजोत्सव मनाया। इस तीजोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी के साथ प्रदेश की सैकड़ों महिलाओं ने तीजोत्सव में भाग लिया। इस दौरान सभी महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और आपस में महिलाओं को मेहंदी लगाकर संस्कृति का निर्वहन भी किया गया।
महिलाओं के लिए ये एक बड़ा उत्सव होता है, एक बड़ा त्यौहार होता है, तो मन में विचार आया कि हम उत्तराखंड में इसे देहरादून में मैं भी मनाऊं। और मुझे आज बहुत खुशी है कि सब यहाँ पर बहनें पहुँची हैं, महिलाएं पहुँची, और हम अपने उत्तराखंड फोक म्यूज़िक का आनंद ले रहे हैं, उत्तराखंड के जो ट्रेडिशंस हैं उनका आनंद ले रहे हैं। हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में तीज त्यौहारों का बहुत ही बड़ा महत्व है, और बहुत ही मतलब इसमें जो है हम लोग खासकर इन त्यौहारों में एक दूसरे से मिलना जुलना करते हैं और इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, और बहुत ही ये खुशी मनाने का जो है हमारा क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है। नैनीताल के रामगढ़ से महिलाओं के बुलंद हौसले की एक मिसाल सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि ओड़ा खान गांव की रहने वाली कमला नेगी महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। आपने जिस काम को ज्यादातर पुरुषों को करते देखा होगा, वो काम 54 साल की कमला कर रही हैं। क्या है वो काम जो समाज के लिए एक मिसाल बन गया, देखिए इस खास पेशकश में। पहाड़ की महिला किसी चट्टान से कम नहीं, वो हर मोर्चे पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। नैनीताल में रामगढ़ के ओड़ा खान गांव की रहने वाली कमला नेगी महिलाओं और पुरुषों के लिए एक मिसाल बन गई है। आपने जिस काम को ज्यादातर पुरुषों को करते देखा होगा, वो काम कमला मिनटों में कर लेती हैं। कमला 54 साल की उम्र में भी बड़ी आसानी से छोटे बड़े वाहनों के साथ जेसीबी के टायर पंचर का काम भी अकेले ही कर लेती है। कमला की इस कला को हर कोई दाद देता है। कमला की बाइक सर्विसिंग करने की वाहवाही इतनी ज्यादा है कि हर कोई उनसे ही सर्विसिंग करवाना चाहता है। इन्हीं सब खासियतों के चलते आसपास के लोगों ने कमला को टायर डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। इतना ही नहीं, कमला अपने काम के प्रति इतनी प्रेमी है कि अगर किसी की देर रात गाड़ी खराब हो जाती है तो उस वक्त भी कमला ये नहीं देखते कि टाइम क्या हुआ है। कमला बताती हैं कि वो बाइक, स्कूटी, ट्रक, बस और साइकिल, यहाँ तक कि जेसीबी के पंचर भी कुछ ही देर में जोड़कर तैयार कर देती हैं। कमला को तमाम संस्थाओं की ओर से इस काम के लिए सम्मानित किया जा चुका है। कमला आज समाज में अलग ही पहचान बना चुकी हैं। उनका मानना है कि मेहनत, लगन और दिल से काम किया जाए तो सफलता पीछे दौड़ती चली आती है। जो भी आप लोग देखेंगे तो मेरा काम आपको यकीन होगा कि हाँ, ये महिला ऐसा काम करती है। मेरे को हो गया, वैसे तो 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल से मैं यही दुकान में बैठती हूँ। उससे पहले घर में करती थी मैं, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके, सोमू पिकअप, डम्फर, बस, जेसीबी का टायर, सब जोड़ लेती हूँ। कमला आज समाज में अलग ही पहचान बना चुकी है। उनका मानना है कि मेहनत, लगन और दिल से काम किया जाए तो सफलता पीछे दौड़ी चली आती है। कमला का कहना है कि उन्हें गाड़ियों के साथ वक्त बिताना सुकून देता है। रोज के थकान भरे काम के बाद घर के कामकाज और व्यवस्थाओं को कमला खुद ही देखती है। इस काम में उनके पति भी उनका हौसला बढ़ाते हैं। पहाड़ की ये कमला नेगी किसी आयरन लेडी से कम नहीं है। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले के अगले 3 दिन प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कांवड़ मेला अपने अंतिम फेज में आ चुका है और डाक कांवड़ की आमद बढ़ गई है। पैदल यात्रियों के साथ साथ डाक पैदल कांवड़ यात्रियों और डाक कांवड़ों ने सड़कों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि डाक कांवड़ में एक बड़ी गाड़ी में 25 से 35 लोग हुआ करते हैं। उनका ग्रुप होता है जो कांवड़ लेकर चलता है। शिव भक्तों का ये ग्रुप 3 से 4 दिनों तक हरिद्वार में ही रुकता है और इस बीच कांवड़िए खुद ही खाना बनाकर खाते हैं। 14 जुलाई से ये कारवा शुरू हुआ और मेला अपने चरम पर पहुँच गया है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर रवाना हो चुके हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीजन में 4 करोड़ के करीब श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस
पैदल मार्ग पे भी अभी मैं पूरा भ्रमण करके बहादुराबाद की तरफ से आ रहा हूँ, अभी भी पैदल श्रद्धालुओं का तांता टूटा नहीं है। कांवड़ जो हमारी डाक से आती है, आप देख सकते हैं कि बैरागी कैंप में लगभग अब फुल होने की स्थिति आ रही है। अच्छी बात यह है कि जो आ रहे हैं वो साथ साथ निकल भी रहे हैं। ये सही है कि डाक कांवड़ हमेशा से हम लोगों के प्रशासन के चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बार मैंने जो श्रद्धालुओं का व्यवहार देखा है वो बड़ा ही सहयोगात्मक है और प्रशासन के साथ पूरी तरह से सहयोग करके। केंद्र सरकार के खाद्य पदार्थों पर GST लगाए जाने के बाद प्रदेश में व्यापारियों का विरोध सामने आया, तो वहीं सरकार के इस कदम का बचाव करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि व्यापारी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो टैक्स देता है और बाद में उस टैक्स से सरकार जनता को लाभ पहुंचाती है। उन्होंने सभी व्यापारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि जो लोग GST के दायरे में आते हैं उन लोगों को GST जरूर देना चाहिए ताकि उसका लाभ सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंच सके। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के व्यापारी अमूमन टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स जरूर देना चाहिए। देखिए, व्यापारी समाज का एक बहुत बड़ा अंग है जो टैक्स देता है और उस टैक्स का लाभ सरकार के माध्यमों से बाद में जनता तक पहुंचता है। तो हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि सब GST दें। जो लोग नहीं दे रहे हैं उस स्लैब में आते हैं उन्हें GST देना चाहिए। जो ये बात की गई कि वो व्यापारी जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो कौन से व्यापारी हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोग जागरूक लोग हैं। ऐसा कम ही होगा कि जो लोग को उस स्लैब में आते हैं वो टैक्स नहीं दे रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये पता चल जाएगा कि अब सरकार उन पे सख्त होने जा रही है तो फिर अगर कोई जानबूझ के नहीं दे रहा होगा तो फिर वो देना शुरू कर दे। हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। 4 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। नगर निगम 34 करोड़ की लागत से सीवरेज प्लांट लगा रही है जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा जो शहर का वाटर लेवल भी इंक्रीज करेगा। इस प्लांट के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा और शहरवासियों को शुद्ध पानी मिल पाएगा। 34 करोड़ रुपये की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और यह 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं ना कहीं वाटर लेवल को बढ़ाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी हो। नमस्कार।